सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू जी टी ए 5 वीडियो। सो फिर से आज का मैं जी टी ए 5 की एक और वीडियो के साथ। और हाँ भाई, आप ज़्यादा गुस्सा मत हो ना, कई सारे बंदे भाई कमेंट कर रहे थे कि आप भाई इतने इतने दिन में वीडियो बनाते हो। तो भाई मेरे सामने कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसको मैंने जहाँ तक है भाई 90% तो सॉल्व कर लिया है, और देखेंगे भाई फ्यूचर में जैसा भी रहेगा। और लेकिन आज की वीडियो में भाई आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अभी देखना, पहले तो भाई ये घर देख लो कैसा है, ये अभी पुराना सा घर लिया। और भाई मैंने एक चीज़ देखी थी यहाँ पे, मतलब जी टी ए 5 में भाई इंडिया से ज़्यादा इसका लेना देना है नहीं कुछ, बस यहाँ यूट्यूबर हैं एक दो, लेकिन जब ये बनी थी ना तब इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। और देखो भाई यहाँ पर दीवार पर भाई गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। भाई मैंने तो आज ही ध्यान दिया था, आप भी बताना भाई कमेंट करके, किसी ने देखी थी क्या ये पहले, किसी को पता था क्या? मैंने तो भाई आज ही देखी है। चलो इन सब को छोड़ते हैं भाई, जो भी है ठीक है। अब लेके चलता हूँ अब आपको असली सरप्राइज के पास। भाई आप जैसे ही गेट खुलेगा ना ये, आप अपने आप पहचान जाओगे, बताना भाई। देखो बता भाई कौन सी गाड़ी है, ये पहचान में आई क्या? एक सेकंड मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। भाई बहुत से बंदे तो पहचान गए होंगे कौन सी गाड़ी है ये। और हाँ भाई ये बता दूँ आपको कि ये गाड़ी मिली कहाँ से थी मुझे, तो भाई ये मेरे को माइकल ने दी है। माइकल इसको कहीं से चुरा के लाया था या फिर नई खरीद के लाया, उसने मुझे इतना कुछ बताया नहीं है। पर वो कह रहा था भाई एक दो दिन रखो तुम और इसको आराम से चलाओ और इसकी टेस्ट राइड लो जैसे भी आपको गाड़ी लगे, ठीक है ना? तो भाई मेरे क्या कहता था, फिर मैंने भी उठा ली गाड़ी, मैं इसको घर से ले आया। लेकिन एक बार पहले सबसे पहले इसका एक बार लुक चेक करो भाई, क्या तगड़ी लुक आ रही है गाड़ी की। और मैंने इस पर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग की थी, मतलब ऑफ रोडिंग तो क्या की थी, जैसे मैं उसके घर से वापस आ रहा था ना तो रास्ते में थोड़ी कीचड़ वीचड़ मिल गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी बहुत गंदी हो गई गाड़ी। लेकिन भाई गंदी होने के बाद और भी ज़्यादा तगड़ी लग रही है मुझे तो ये गाड़ी। एक बार देखो भाई क्या ब्रॉड गाड़ी है, इसे कहते हैं भाई असली माफिया कार, ऑल ब्लैक। बस शीशे वगैरह कराने बाकी रह गए, उनको भी हम जल्दी कराएंगे। तो भाई अब मैंने ये गाड़ी ले तो ली, और पता है ना आपको ये किस पर्पज़ के लिए? तो भाई ये ऑफ रोडिंग के लिए, खाली ऑफ रोडिंग। तो डायरेक्ट लेके चलता हूँ भाई मैं ऑफ रोडिंग के लिए ही, ज़्यादा ऐसे मेरे को सड़क पर चलाने में मज़ा आता नहीं है। डायरेक्ट लेके चलते भाई माउंट चिल्लियाड पे। माउंट चिल्लियाड पे भाई सबसे गंदी ऑफ रोडिंग वहीं पे होती है वैसे तो, ठीक है? तो वहीं पे जाके मिलते हैं आपको माउंट चिल्लियाड पे, मैंने पहले ही मैप लगा लिया है। चलो ठीक है भाई वहीं पे मिलते हैं आपको। सो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं माउंट चिल्लियाड पे, और भाई इसकी क्या पावर है, इंजन में रॉ पावर है भाई, रॉ। ऐसा लग रहा है मेरे को लैंड रोवर अपनी सारी ताकत इसी में रख के भेज दी। और भाई कितनी यूज़ है ये, आप जैसे कोई गाड़ी आए ना देखना उसके पास में जैसे चलेगी ना, एक सेकंड भाई अभी ठुक जाती यार ये। मैं मांग के लाया हूँ भाई उस बंदे की, अगर मेरे पे ठुकी ना या थोड़ा सा भी डेंट आया तो भाई मार डालेगा वो मुझको, इसलिए थोड़ी समझ के चलानी पड़ेगी। वैसे तो भाई मैं ड्रिफ्टेड मरवा लेता हूँ थोड़ी बहुत, इतनी कोई दिक्कत है नहीं। अरे ठुक गई यार, साइड से थोड़ा बहुत डेंट आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो करवा लेंगे हम। वो भी भाई अपना ही दोस्त है, अगर थोड़ा बहुत डेंट भी आएगा तो कुछ कहेगा नहीं वैसे शायद, भाई उम्मीद तो है, अब पता नहीं मेरे को। एक सेकंड लेकिन भाई ये क्या था यार, अभी पलट जाती है गाड़ी यार। देखो मेरे को तो चलाने में डर लग रहा है भाई इस गाड़ी को, क्योंकि भाई अगर अपनी होती ना ये तो इतना डर नहीं लगता मेरे को। और भाई ये माइकल की है वो, भाई सही बताऊँ ना उसके दिमाग का कुछ नहीं पता भाई, मेरे में ही गोली मार दे वो। चलो भाई चल रहे देखेंगे उसके अभी फिर बाद में, पहले अपनी गाड़ी से आप अच्छी तरह ऑफ रोडिंग करते हैं। तो भाई ये आ गई नेहरू टनल, जाते हैं जैसे लद्दाख जब आती है, तो भाई जी टी फाइव में यही एक नेहरू टनल है। और भाई बंदे यहाँ पे अभी भी हैं, सुबह सुबह का टाइम है बंदे, लेकिन अभी से अपने बैग पैक टांग के यहाँ पे आ गए। और भाई आपको पता है ना जितनी बार भी हम ऑफ रोडिंग करते हैं हर एक गाड़ी को यहीं से उतारते हैं हम, चलो इसको भी ट्राई करते हैं। चलो उतर तो आराम से गई, हर गाड़ी आराम से उतर जाती है, लेकिन भाई ठीक है यार इसको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा यहाँ पर चढ़ने के लिए, और आराम से चढ़ी जा रही है अभी भी। चलो अभी तो बस स्टार्टिंग ही है यार, अभी तो आगे जाके और भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग आएगी ना तब पता लगेगा इसका। ओके यहाँ तो भाई बड़े आराम से आ गई। देखो भाई ये बंदे हैं ना भाई जिगरा है भाई इन लोगों में, बैग टांग के भाई पूरे ऊपर तक चढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, और यार ये आराम से चढ़ रही है गाड़ी अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। और इसके सस्पेंशन है भाई तीन टायर्स पर चलने लगती है गाड़ी, लेकिन रुकती कहीं नहीं है ये, इतनी पावर है इसमें। ओके तो अभी तो बस मैं 20-10% आया हूँ बस माउंट चिल्लियाड पर, अभी तो बहुत लंबा रास्ता बाकी है। अभी इसमें असली ऑफ रोडिंग टेस्ट तो अब होगी ना। और आप भी बताना भाई कीचड़ वीचड़ में भी इसको दौड़ाऊँ क्या मैं, या फिर पानी वाली में कुछ, ठीक है कमेंट करके बताना आप ऐसा कुछ करूँ क्या इस गाड़ी के साथ। भाई मेरा तो देखो बहुत ज़्यादा मन है, अगर ये एक दो दिन के लिए मिली है ना मुझे तो भाई उसको पूरा यूज़ करूँ। और एक बार तुम इंटीरियर देखो इस गाड़ी का, भाई क्या शानदार इंटीरियर है यार।
मतलब अगर आपकी फुल फैमिली भी बैठ गई ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फुल स्पेस है इसमें और भाई फुल लग्जरी गाड़ी है ये। मीटर भी देखो पूरा डिजिटल दिया हुआ है इसका। भाई मेरी थोड़ी जवान लड़खड़ा रही है, उसके लिए सॉरी यार। हाँ तो मैं कह रहा था भाई इसका पूरा जो मीटर है ना वो भी डिजिटल दिया हुआ है, एक नंबर सो आ रहा है ये, एक नंबर गाड़ी लग रही है। भाई मेरी तो फेवरेट बनती जा रही है यार ये इस गेम से गाड़ी, गेम में भी और रियल लाइफ में भी। अभी देखते हैं यार रियल लाइफ में कभी ले पाएंगे या नहीं, पहले तो भाई गेम में चला लें। अगर आपका सपोर्ट रहा तो भाई ले भी लेंगे गाड़ियाँ, ये क्या भाई जीप रैंगलर भी लेंगे, जी वैगन भी लेंगे, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तब ठीक है भाई। इसी लायक बात पे वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब, और हो सके तो भाई अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। ओके तो भाई बंदे यहाँ तक आ चुके हैं ये, चलो ठीक है इनको छोड़ते हैं भाई, हट जा नहीं तो ठोक दूंगा। अबे इसकी तो भाई बीच रास्ते से हट ही नहीं रहा ये, पागल वागल है क्या? चलो भाई साइड से निकाल देता हूँ मैं, क्या सुबह सुबह किसी आदमी को मारूँ मैं। चलो अभी देखो भाई, अभी देखो तुम कितनी ऊंची चढ़ाई थी ये, बड़े आराम से चढ़ गई ये गाड़ी, क्या गाड़ी है यार ये। ओके ये शॉर्ट टर्न लेना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे भी बड़े आराम से आ गई। अभी आएगा भाई असली जो टेस्ट होता है ना, एक्सट्रीम टेस्ट, क्योंकि अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आने वाली है बिल्कुल ऊपर तक। इसलिए पहले भाई मैं एक बार गाड़ी को देखूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के संग मैं ही हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ। अगर गाड़ी ब्लास्ट हुई ना भाई यहाँ से गिर के, बचने के चांस तो बहुत कम है और भाई 90% चांस है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरीज आएंगी और मुझे हॉस्पिटल में भी भर्ती रहना पड़ेगा शायद कई दिन। चलो अभी तक तो भाई ऐसी सिचुएशन आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, आराम से चढ़ती जा रही है गाड़ी। ओके तो यहाँ तक तो आ गई, 80-90% रास्ते में तो आ चुकी है, और 10% जो रास्ता बचा है ना भाई असली चैलेंजिंग तो वो है। देखो ये है ना, अभी देखो एक बार भाई बिल्कुल 90 डिग्री कह सकते हो यार, 90 डिग्री की चढ़ाई है, 90 नहीं तो भाई 65-70 डिग्री तो है ही है आराम से। ठीक है तो भाई एक बार देख लूँ अपनी गाड़ी को, कहीं मेरा राम नाम ना हो जाए। एक बार भाई देखो, एक बार और इसकी लुक्स देख लो आप लोग, कैसी लुक्स है इसकी, चलें क्या? चलो तो चलते हैं भाई इस सीधी चढ़ाई पर चढ़ाने के लिए। वैसे भाई मेरे को इस पर पूरा विश्वास तो है कि गाड़ी चढ़ जाएगी, अगर आप भी कमेंट करके बताना कि ये गाड़ी चढ़ पाएगी नहीं। अबे हटो ना यार, कहाँ बीच रास्ते में आते रहते हैं बंदे, भाई हटते भी नहीं यार, हॉर्न मारो कुछ भी करो हटते ही नहीं है ये। ओके तो इस पर भी भाई बड़े आराम से चढ़ती जा रही है, एक सेकंड, अभी मैं नीचे चले जाता बच गया भाई, थोड़ा बहुत कंट्रोल है इस गाड़ी पे तब भी मैं बचा जा रहा हूँ, नहीं तो कई बार भाई ऐसे चांसेस आए कि मैं नीचे गिरने वाला ही था। चलो फिर भी ये भी चढ़ाई पार कर दी भाई इसने, क्या गाड़ी है यार, अभी मैं पहचान गया भाई कि हाँ ये असली गाड़ी, लैंड रोवर ने भाई कुछ तो बनाया है, कहते हैं ना भाई टाटा का लोहा, तो अभी तो ये टाटा की है ना लैंड रोवर, तो भाई टाटा ने ऐसा कुछ करके दिखाया कि कोई और गाड़ी तो शायद ही कर सकती है ऐसे। लेकिन एक सेकेंड अबे इसकी तो भाई ये क्या हुआ यार, भाई बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया मुझ पर, अब देखो इतना बड़ा डेंट आ चुका है छत में, भाई मैं गया यार अब माइकल को भाई मैं कहाँ से दूंगा गाड़ी, अगर उसको पता लग गया कि मैंने एक्सीडेंट करके रखी हुई है ये तो भाई वो ले गई नहीं मेरी गाड़ी को। अब और भी गिरती जा रही है, लेकिन आराम से भाई जितनी टूट गई इतनी बहुत है भाई, मुझको नहीं चढ़ना माउंट चिलियाड यार, मेरे को ऑफ रोडिंग नहीं करनी, मेरे को बस घर जाना है, एक बार कैसे भी करके रास्ता मिल जाए यहाँ से, शायद सीधी चढ़ जाएगी, पावर तो है इसमें इतनी, लेकिन भाई ये पत्थर चढ़ने देंगे या नहीं। अभी यार मेरे ना दिमाग में दर्द होने लगा है कि मैं भाई इतना ज़्यादा खर्चा आ चुका है ना मेरे, देखो इतना बड़ा डेंट है छत पे, अभी चढ़ जाएगी क्या भाई, चढ़ सकती है भाई, एक्सीलेटर मैंने फुल एक्सीलेटर दे रखा है इसमें फुल, यहाँ से तो नहीं चढ़ेगी, आराम आराम से चलता हूँ नीचे, आराम आराम से। एक और खिड़की गई यार, तगड़ा वाला ही खर्चा आ गया भाई मुझ पर, कम से कम 60-70 लाख रुपये तो लगेंगे इसमें, या फिर $25,000-30,000 तो लगेंगे आराम से इसमें, इतने पैसे तो भाई मेरे पास हैं भी नहीं। चलो कोई ना भाई, उससे बात करके देखेंगे, है तो अपना दोस्त ही वो, यहाँ से लेके चलता हूँ पहले, सही सलामत ले चलूँ गाड़ी को। ओके तो यहाँ से भी रास्ता नहीं है यार, किधर कहीं पे है क्या रास्ता, लेकिन भाई मैं गया। अरे यार इतनी ऊँचे से, भाई रुक जा भाई, कहाँ पे जाके रुकेगी ये गाड़ी, रुक ना
भाई गया मैं। अब भाई ये क्या हुआ था यार। 2000 years later. तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि माउंट चिलियार्ड पे ऑफ रोडिंग करने के चक्कर में मैं मरते मरते बच गया। बस गाड़ी तो पूरी ख़त्म हो गई। मेरे बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरीज आई थी जिस पर मैं अभी डिस्चार्ज हो गया हूँ हॉस्पिटल से कम 2 या 3 हफ्ते बाद। और भाई मेरी माइकल से बात हुई थी, उसने कहा कि दोस्ती अपनी जगह पे, मेरी मुझको मेरी कार चाहिए। अभी यार मैं ये सोच रहा हूँ उसको कार कहाँ से ला के दूँ। अभी मेरे को कुछ ना कुछ पैसे कमाने का जुगाड़ सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी थी जो मैंने अभी फोड़ी थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अभी मेरे को कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। चलो देखते हैं भाई कैसे करके मैं उसकी गाड़ी को वापस दूंगा, कैसे करके मैं पैसे कमाऊंगा। तो ठीक है भाई, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी एक और नए एपिसोड में। और हाँ भाई, चैनल को लाइक करना और चैनल करना सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं भाई किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।